हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, हम सभी चाहते हैं हमारी स्किन अच्छी हो जाए, हमारी स्किन में कोई दाग धब्बा ना हो, हमारी स्किन जो है वो ग्लोइंग होनी चाहिए, वाइट होनी चाहिए और ब्राइट होनी चाहिए, और हमारे चेहरे से एज का किसी को पता भी नहीं लगना चाहिए। और इन सब के लिए हम बहुत सारे प्रयास करते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ एक ऐसे घरेलू नुस्खे के बारे में, जिस नुस्खे को आप अपने घर में बहुत आसानी से कर सकते हैं और ये आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देगा। ये प्रयोग है मक्का के दानों को इस्तेमाल करके अपने चेहरे को पॉलिश करने का इफेक्ट। दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा कि जब भी हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जब भी हम लोग ऐसे डॉक्टर्स के पास जाते हैं जो केमिकल पील्स करते हैं, तो हमारी स्किन को देख करके वो जनरली यही कहते हैं, आप केमिकल पीलिंग्स की कुछ सेटिंग्स करा लीजिए, आपकी स्किन की जो ऊपर वाली लेयर है जिसके अंदर दाग हैं, धब्बे हैं, पिंपल्स हैं, पिगमेंटेशन है, रिंकल्स हैं, हम उन्हें केमिकल्स की मदद से पील करके बाहर निकाल देंगे और नीचे से जो आपकी स्किन आएगी वो बहुत अच्छी आएगी। आप ये सब कुछ कर सकते हैं बिना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किए अपने घर में मक्का के दानों की मदद से। जी हाँ दोस्तों, जिससे पॉपकॉर्न्स बनते हैं वही मक्का के दानों की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। और इन कॉर्न्स के दानों को आपको पॉलिशिंग इफेक्ट के लिए जब आप इस्तेमाल करोगे तो आपको लगेगा कि यार इन सारी चीजों को हम अभी तक मिस क्यों कर रहे थे। So, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, पसंद आए तो एक लाइक का बटन जरूर दबाएं। चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको लगता है कि यह चैनल आपके लिए इफेक्टिव हो सकता है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा करके बिल बटन को हिट कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर तो हमें फॉलो करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय के साथ पहुंच सकें। सो दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे चेहरे पर दाग धब्बे ना हो, पॉलिशिंग इफेक्ट नजर आए, पिगमेंटेशन ना हो, रिंकल्स ना हो, और इसके लिए हम बहुत सारे प्रयास भी करते हैं। लेकिन बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके चेहरे पर ये दाग धब्बे बहुत जिद्दी होते हैं और वो किसी भी तरह से हटने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर मक्के के दाने के अंदर होने वाला क्रोमोलिन नाम का एक एजेंट, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है आपकी स्किन को रिजुविनेट करने के लिए। क्रोमोलिन जो है वो एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी स्किन को लाइटनिंग, ब्राइटनिंग और टाइटनिंग इफेक्ट देता है और आपकी स्किन पे ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम करता है। अब हमें करना क्या है? हमें यहाँ पर 5 चीज़ें चाहिए होंगी इस पूरे के पूरे पैक को तैयार करने के लिए। एक्चुअली ये पैक कम स्क्रब होने वाला है, मतलब कि आप इसी मिक्सचर से स्क्रबिंग भी करोगे और इसी को ही आप पैक की तरह भी लगाओगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा और बहुत ही कम समय के अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स ये प्रोवाइड करेगा। सो हमें क्या करना है, मक्का के दानों को हमें ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है, लेकिन पूरी तरह से उसका पाउडर नहीं बनाना है। उसके अंदर जैसे सूजी के अंदर छोटे छोटे दाने रहते हैं, बिल्कुल वैसा ही पीसना है ताकि वो थोड़ा सा दरदरा रहे, ताकि जब हम उसको स्किन पर लगाएं तो उसको घिसने पर हमारी स्किन में चिपकी हुई जो डेड सेल्स हैं वो बाहर निकल सके और हमारी स्किन पर पॉलिशिंग इफेक्ट भी हमें मिल सके। सो हमने इस जो पाउडर को तैयार किया है उसमें से लेना है 1 चम्मच। इसके अंदर जो दूसरी चीज मिलानी है वो मिलाना है बेसन। बेसन भी हमें यहाँ पर पॉलिशिंग इफेक्ट देता है, स्किन लाइटनिंग, स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज देता है, वो भी हमें यहाँ पर 1 चम्मच ही ऐड करना है। तीसरी जो चीज़ हमें यहाँ पर मिलानी है दोस्तों, वो है दही। दही के अंदर होता है लैक्टिक एसिड और लैक्टिक एसिड जो है वो हमारी स्किन को ब्राइटनिंग, वाइटनिंग एंड टाइटनिंग इफेक्ट देने में हमारी मदद करता है और एजिंग के रिजल्ट्स को भी ये हमारे बढ़ाता है। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट आएगा वो आएगा शहद। शहद जो है वो एक नेचुरल ह्यूमेक्टेंट है जिसकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर जो ड्राइनेस आ जाती है, जो डिहाइड्रेशन हो जाता है, जो स्किन के ऊपर एजिंग के साइंस आना शुरू हो जाते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। और नंबर 5 जो चीज़ें हमें मिलानी है वो कुछ बूंदें यहाँ पर हमें ऑरेंज जूस की मिलानी है। अगर आपके पास ऑरेंज जूस नहीं है तो आप यहाँ पर 1 से 2 बूंद नींबू के रस की भी मिला सकते हो, लेकिन नींबू का रस मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप परमानेंट आदत डाल दो अपनी स्किन को, क्योंकि उसके अंदर होने वाला एसिटिक एसिड आपकी स्किन को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। सो हमेशा मैं कोशिश करूंगा कि ऑरेंज का जूस आप डालें तो दैट वुड बी ग्रेट। तो हमने 5 चीजें ली हैं, 1 चम्मच दही, 1 चम्मच मक्का का आटा जो दरदरा पिसा हुआ है, 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच शहद और कुछ बूंदें हमने यहाँ पे ऑरेंज जूस की ऐड करनी है। तो इन 5 चीजों को अच्छे से मिलाइए और अच्छे से मिला करके एक पेस्ट बना लीजिए। इसको अपने चेहरे पर, अपनी गर्दन पर लगाइए और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 10 से 15 मिनट के बाद जब आपको लगे कि ये खींचना शुरू हो गया है, आपके चेहरे पर टाइटनेस दे रहा है, अब अपने हाथों को गीला कीजिए और हल्के हल्के छोटे छोटे सर्कल्स बनाते हुए अपने चेहरे को अच्छे से मसाज कीजिए। जब आप मसाज करते हैं तो ये ध्यान रखें कि मसाज छोटे छोटे सर्कल्स में होनी चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए, जिससे कि आपकी स्किन के सेल्स को आप हमेशा के लिए टाइट करके रख सकें।
मसाज को आपको 10 से 15 मिनट करना है, उसके बाद आप इसे वॉश करके हटा देंगे और वॉश करने के बाद कोई भी एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगा करके अपने चेहरे को छोड़ देंगे। ये प्रोसेस अगर आप शाम के समय करते हैं तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएगा, क्योंकि रात भर जब आप सोते हैं ये प्रोसेस करने के बाद, तो आपकी स्किन के जो डेड सेल्स आपने हटाए हैं उनकी जगह पर जो नए सेल्स हैं वो ऊपर आते हैं और वो आराम से ऑक्सीजन का सर्कुलेट अपनी बॉडी में देख पाते हैं और वो बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर मिलता है। नंबर नेक्स्ट जो चीज़ है कि इसे किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति कर सकता है, इवन आप बच्चों में भी बॉडी पॉलिशिंग करने के लिए इस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको लगता है चेहरे के अलावा आपके शरीर में कहीं टैनिंग या कहीं सनबर्न है, वहाँ पर भी आप इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेल फीमेल बच्चा बुजुर्ग कोई भी इसे कर सकता है और बिना किसी परेशानी के कर सकता है। सो इसे आपको करना है हफ्ते में एक बार और 4 से 5 हफ्तों के लिए कीजिए, फिर मुझे बताइए कि आपको क्या कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं तो प्लीज़ आकर के हमें पॉजिटिव कमेंट्स ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि आपको इन रेमेडीज से क्या कुछ फ़ायदा होता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार आप हमें इसी तरह से देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।